स्टूडेंट्स देखो ध्यान दो, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2.5 एनसीईआरटी से क्वेश्चन नंबर 7 और 6 और साथ साथ आरडी शर्मा से एक्सरसाइज नंबर 4.3। करना क्या है आज हमको पढ़ना है ए प्लस बी का होल क्यूब और साथ में ए माइनस बी का होल क्यूब। सारे बच्चे लिखना स्टार्ट करेंगे अपनी कॉपी के अंदर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। इसी तरह यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी नंबर 6 और 7 है, आपको लिखनी है और याद करनी है और आज के सारे क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर हैं। जैसे अगर मैं स्टार्ट करूं एनसीईआरटी से क्वेश्चन नंबर 6 पहला पार्ट, वो है 2x प्लस 1 का होल क्यूब। एक बार अपनी आंखों से इसको देखो, एक बार इसको देखो, जो ए है ए की जगह पे पुट करना है 2x और जो बी है उसकी जगह पे पुट करना है 1। जो जो बच्चा एग्री कर रहा हो थम्सअप करें। जिस जिस बच्चे को ए और बी की वैल्यू समझ में आ गई वो बच्चा थम्सअप करे कि हाँ सर मुझे समझ में आ गया, ए की जगह ये पुट करना है, बी की जगह ये पुट करना है। उसके बाद सिर्फ क्या करना है, आरएचएस को सोल्व करना है। आरएचएस क्या कहती है, हमारा मन तो बोलेगा ए और बी, हम मन मन में बोलेंगे ए और बी, लेकिन हम लिखेंगे जो दे रखा है वो। मैंने बोला ए का क्यूब, मैंने बोला बी का क्यूब प्लस 3 into a into b ब्रैकेट ए प्लस बी। उसके बाद 2 का क्यूब 8 साथ में x का क्यूब, 1 का क्यूब 1 3 × 2 = 6 साथ में x। अब मल्टीप्लाई करना है, 6 × 12 x into x x square plus 6 + 6 साथ में x। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है, पहले पावर 3 फिर पावर 2 फिर पावर 1 और फिर नंबर। ये हमारा आंसर है। क्या ये चारों लाइनें सभी को समझ में आ गई? वैसे समझने वाला कुछ है नहीं, आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको वैल्यू प्रूफ करनी है। उसके बाद हिमांशु सर ने आपको इतना तो समझा रखा है कि सोल्व कैसे करते हैं, अगर सोल्व में गलती करोगे तो उसमें माफी नहीं है। प्रवीण वंदित क्लियर दोनों को, हाथ उठा लिया करो। ध्यान दो सेकंड पार्ट है 2a माइनस 3 का होल क्यूब। एक बार अपनी आंखों से इसको देखो, एक बार इसको देखो, आपको समझ में आ जाएगा बड़ा प्यार से कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है। a की जगह पुट करना पड़ेगा 2a और b की जगह पुट करना पड़ेगा 3b। बस क्या करेंगे, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी, बात खत्म। 2 का क्यूब 8 साथ में a क्यूब, 3 का क्यूब 27 साथ में b क्यूब, 3 × 2 = 6, 6 × 3 = 18 साथ में ab ब्रैकेट 2a - 3b। कोई भी स्टेप को मत खाना, बता रहा हूँ मैं एक टीचर होते हुए स्टेप नहीं खा रहा तो तुम मत खाना रिक्वेस्ट। माइनस इंटू प्लस माइनस 18 × 2 = 36 ए और ए पावर ऐड हो जाएगी, 1 और 1 = 2 ए स्क्वायर साथ में बी। माइनस इंटू माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस 18 + 54 ए तो अकेला है, बी और बी हो जाएगा बी का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर है। क्या सभी को पार्ट नंबर 2 क्लियर हो गया? थम्स अप करेंगे सभी। ये चीजें है ना बड़ी क्लासेज में काम आएंगी, अभी आपको लग रहा होगा मजाक, ये सेम फॉर्मूला खुलेगा 10th क्लास में, लेकिन उसमें चैप्टर अलग होगा, फॉर्मूला ही लगेगा, तो अच्छे से याद करो मन लगा के। स्टार्ट, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना बस। चलो अपनी होल्डिंगों की कॉपी में अच्छे से करो।
पार्ट नंबर थर्ड मैंने सोल्व कर दिए हैं, आई होप आप उसको खुद करोगे, जहां दिक्कत लगेगी बता देना। मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं थी लिखने के लिए, जब आप लास्ट में लिखोगे तो पहले पावर थ्री, फिर पावर टू, फिर पावर वन और फिर नंबर, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में खुद कर लेना। थोड़ा सा फास्ट फास्ट करेंगे क्योंकि हमें दो क्वेश्चन करने हैं एनसीईआरटी के और दो क्वेश्चन करने हैं आरडी शर्मा के। जल्दी करो फास्ट फास्ट, बहुत सारे पार्ट्स हैं। जब तक मैं तुम्हारी अटेंडेंस लगा देता हूँ एक बार, अटेंडेंस के अंदर प्रेजेंट 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 प्रेजेंट, ठीक है भाई, ठीक है भाई। बेटा रोल नंबर 11 भेजने की जरूरत नहीं है, मैंने बोला ही नहीं भेजने के लिए, अभी आप आराम से करो बस, शांति से, अच्छा अच्छा करो। क्या सभी के तीनों पार्ट्स हो गए? चैट बोर्ड बॉक्स में डालते चलो, चैट बॉक्स को डालो फटाफट, ऐसे लिख दो वन डन जिसके दो हो जाएं, टू डन जिसके थ्री हो जाएं, थ्री डन, चैट बॉक्स में डालते चलो। रोल नंबर फाइव के तीनों हो गए, इलेवन के भी तीनों हो गए, थ्री के भी तीनों हो गए, ओके। थोड़ा सा फास्ट फास्ट, वेरी गुड, ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है सभी के सारे हो गए, मैसेज आ गया सभी का। चलो आगे चलते हैं पार्ट नंबर फोर्थ, ध्यान दो पार्ट नंबर फोर खुद कर लो जब तक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत इजी है वो भी, आसान है, यू कैन डू, वेरी गुड। रोल नंबर सेवन अपने आप करो जब तक आपका नहीं हुआ है तो, आई एम डूइंग पार्ट नंबर फोर्थ।
दिस इज द पार्ट नंबर फोर्थ, ट्राई करो और कवर करो इसको। हाँ जैसे आपका ये वाला पार्ट हो जाता है अपना होमवर्क लिख लेना, आरडी शर्मा 4.3 का पहला क्वेश्चन आपको अपने आप करना है, डू इट योरसेल्फ। जैसे आपका पार्ट नंबर फोर हो जाए मैसेज आ जाए, वेरी गुड, रोल नंबर थ्री ने कर लिया है, गुड। रोल नंबर थ्री, जब तक आप अपना आरडी शर्मा का ट्राई करो, वेरी गुड। जिसका नहीं हुआ है वो ट्राई करते रहेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। वेरी गुड, रोल नंबर 11 ने भी कर लिया है। सेंड, सेंड नहीं, सॉरी, ट्राई आरडी शर्मा द फोटो सेंड बाय रोल नंबर 3। वेरी गुड, एक बच्चे का रहता है अभी, जल्दी करो, किसका रहता है, जल्दी फिनिश करो, एक बच्चे का रहता है अभी, या फिर एक ने रिप्लाई नहीं किया। रोल नंबर 8, जल्दी करो, रोल नंबर 8, पार्ट नंबर 4, रोल नंबर 8, हैव यू डन पार्ट नंबर 4th। सर हो गया। तो बेटा आपको चैट बॉक्स में डालना चाहिए ना, सभी डाल रहे हैं चैट बॉक्स में, ध्यान दो सभी। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट, 99 का क्यूब। आपको क्या करना है, 99 को लिखना है 100 माइनस 1 का क्यूब, और आपको अप्लाई करना है क्या, a माइनस b का होल क्यूब। तो आप अप्लाई करोगे a की जगह तो 100 और b की जगह 1, जिसको ये बात समझ में आई थम्स अप करेगा। 99 को लिखना है 100 माइनस 1 और फिर अप्लाई करना है a माइनस b का होल क्यूब। रोल नंबर 1, रोल नंबर 3, रोल नंबर 7, रोल नंबर 8, रोल नंबर 8 थम्स अप करेंगे, समझ में आ गया, वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू b ब्रैकेट a माइनस b, 1 का क्यूब 1, 2 जीरो की ट्रिपल 6 जीरो, माइनस 1, 3 बन जा 3, साथ में 100, 100 माइनस 1, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 माइनस 1, 3 बन जा 3, साथ में 4 0, माइनस 0 माइनस प्लस 300, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, उसके बाद आ जाएगा 300, ठीक है, माइनस 3, 1, 2, 3 और 1, माइनस कर लेना, आफ्टर माइनस आपका आंसर आ जाएगा। क्या सभी को क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट? बिल्कुल इजी कैलकुलेशन है, ध्यान से करना है बस, ठीक है, चलो सारे स्टार्ट करो। स्टार्ट करेंगे सभी, स्टार्ट करो।
आंसर आएगा 970299, ये आंसर है। ट्राई करो फटाफट फास्ट। सेकंड पार्ट, बिल्कुल आराम आराम से करना है, आराम आराम से। जिसका फर्स्ट पार्ट हो जाए चैट बॉक्स में, वन डन। आफ्टर फर्स्ट ट्राई सेकंड। वेरी गुड, एक बच्चे का ने कर लिया है, वन डन। वेरी गुड, रोल नंबर थ्री। फास्ट डन हो चुका है सभी बच्चों का, नहीं मैसेज आया भाई, वन डन मैसेज में नहीं किया आपने। वेरी गुड, ट्राई सेकंड वन। जिसका सेकंड हो गया, थर्ड खुद ट्राई करो। वहां पे लिखो 1000 - 2 का होल क्यूब। वेरी गुड, सेकंड पार्ट हो चुका है, 1, 2, 3, 4 बच्चों का, बाकी 3 बच्चे हैं, जल्दी करेंगे फटाफट। डू फास्ट, जल्दी करो।
जिसका सेकंड पार्ट नहीं हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप पे फोटो है, फोटो से कर लो। नाउ फोकस पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड करेंगे, करने के बाद मैच करेंगे। जैसे आपका ये वाला क्वेश्चन खत्म हो जाएगा एडिशन मार्क 4.3 क्वेश्चन नंबर 11 आपको अपने आप करना है, डू इट योरसेल्फ। और जो मैं दे रहा हूँ ना ये होमवर्क है, आपको करना है। ये मैं सोचता ना सर ने बोल दिया और काम खत्म। जैसे ही आपका ये थर्ड पार्ट फिनिश हो जाए, अपने आज के काम की एक अच्छी सी पीडीएफ बनाओ और पीडीएफ बना के डालो, पीडीएफ बना के ग्रुप पे डालो। आज का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 मेक वन पीडीएफ एंड सेंड ऑन द ग्रुप। हाँ जी, पार्ट नंबर थर्ड डन सभी का। 1 2 3 4 5 पांच बच्चों का डन आ चुका है, वेरी गुड। बाकी दो रोल नंबर 8 अभी भी नहीं आया आपका मैसेज। रोल नंबर 8 और रोल नंबर 7 और रोल नंबर 10 आप तीनों का पेंडिंग है थर्ड पार्ट, जल्दी फिनिश करो। फिनिश करने के बाद मैसेज डालो। जिस जिसने कर लिया है अपने आज के काम की पीडीएफ बनाओ और पीडीएफ बना के ग्रुप पे डालो, वेरी गुड।
मैं पीडीएफ का वेट कर रहा हूँ, पीडीएफ आने के बाद मैं आपका आरडी शर्मा से क्वेश्चन करवाना है मुझे, जल्दी से पीडीएफ सेंड करो। हाँ बेटा, कैसे बनाते पीडीएफ? पीडीएफ कैसे बनाते हैं? कल सिखाऊंगा, अब तो फिर फोटो भेज दे। ओके सर, अब ये एनसीईआरटी में से करवा दिया आरडी शर्मा से। अभी मैं आरडी शर्मा में से करवा रहा हूँ एक क्वेश्चन, जो फोटो भेजी हुई है रोल नंबर 3 ने, मैं वहां से कराऊंगा। जो ये करवाए थे, जो ये मैंने करवाए ये एनसीईआरटी में से करवाए हैं, और जो ये होमवर्क दिया है वो आरडी शर्मा से दिया है। मैं वेट कर रहा हूँ फोटोज की या पीडीएफ की, दो बच्चों की आई है अभी तक, आउट ऑफ 7 दो में से आई है। तीन बच्चों के आ गए, बाकी ने किया किया ही नहीं क्या काम? फोटो भेजने में देर क्यों लग रही है? रोल नंबर 7, रोल नंबर 5, रोल नंबर 3, ये रोल नंबर 11, एक पेज में तेरा सारा काम आ गया। आपने जो पीडीएफ सेंड किया उसमें एक ही पेज है बस। चलो सारे, अब अपने अपनी ऑडिशन वहां पे आ जाओ। जो फोटो सेंड किए रोल नंबर 3 ने ध्यान दो, मैं करवा रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 16। किसी की अगर पुराने आरडी शर्मा है तो चेक करो, उसमें ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, x प्लस 3 का क्यूब और x माइनस 3 का क्यूब दोनों को ऐड करना है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इसको अलग सोल्व करो, इसको अलग सोल्व करो, लास्ट में दोनों को ऐड कर दो। क्या सभी को मेरी आवाज आ रही है ऑडिबल? क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट है बस, ये अलग अलग सोल्व करना है, दोनों को ऐड कर देना है। आप अपना करो, मैं मेरा करता हूं, मैच कर लेना। स्टार्ट। ये मैंने सोल्व कर दिया है पहले वाला हिस्सा, ठीक है, उसके बाद दूसरे वाला हिस्सा।
ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट आंसर, ये हमारा सेकंड आंसर, ये फर्स्ट आंसर है, सेकंड आंसर है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को ऐड करना है, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब, टू एक्स क्यूब, एक प्लस और एक माइनस क्या हो जाएगा, कट, 27 27 कितना हो जाएगा, 54x, ये दोनों हो जाएंगे कट, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, एक तो कॉमन आ रहा है 2 और एक कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर और यहाँ बचेगा 27, ये हमारा आंसर है। या तो ये कर दो या इतना छोड़ दो तो भी चलेगा, यहाँ तक छोड़ दो कोई बात नहीं। जी जिसको समझ में आया थम्स अप करेंगे, जिस जिसको समझ में आया थम्स अप करेंगे एक बार। अब ध्यान दो, इसी पीडीएफ, इसी क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट्स और हैं, वो भी आपका होमवर्क है, वो भी आपको खुद करना है, डू इट योरसेल्फ। बाकी के 3 पार्ट्स एक मैंने समझा दिया है, ये बात ध्यान रखना, मैंने इन दोनों को ऐड किया था, अगर क्वेश्चन वाला बोले माइनस तो दोनों को माइनस कर देना, सारे ये वाले पार्ट करो, इस वाले पार्ट की फोटो ग्रुप पे सेंड करो, उसके बाद क्लास को लीव करो, अपना होमवर्क कर लो बैठ के, फिर जो मैंने आपको बोला है DIY, पहले ये वाला पार्ट करेंगे, ग्रुप पे फोटो सेंड करेंगे और बता के जाएंगे कि सर मैंने सेंड कर दिया,